19 दिसंबर से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अधिकारियों और सभी दलों के विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, माले विधायक विनोद सिंह और आजसू के लंबोदर महतो शामिल हुए। बीजेपी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। स्पीकर ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायकों के सवालों को लेकर स्पीकर ने खास तौर पर अधिकारियों से कहा कि सवालों के जवाब हर हालत में आने चाहिए। हुआ है, अभी लंबित का संख्या हम लोगों ने बहुत नियंत्रण में ले आया है और आज भी उस विषय पर हम लोगों ने उनके सामने सारा विभाग का जितना लंबित सवाल है सब के बारे में विभाग बार उनको सूचना दे दिए कि फलाना फलाना विभाग के पास इतना इतना सवाल लंबित है। आप चूँकि इस टेन्योर के 3 साल पार हो गया, अब हम लोग 4th साल पर हम लोग पहुँचने वाले हैं और अगर इसका प्रतिशत में कमी नहीं होगा तो आने वाला समय में विधानसभा का जो परफॉर्मेंस है प्रतिशत के आधार पर इनके जो उत्पादकता है इस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप लोग जितना सरकार के द्वारा आश्वासन है, जितने सरकार के पास लंबित निवेदन है, जितने प्रश्नों का उत्तर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप लोग और ज़्यादा गतिशील हो जाइए। बैठक में बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि के शामिल नहीं होने पर स्पीकर ने निराशा जाहिर की। सदन आहूत होने के क्रम में आपको हाई पावर कमेटी का मीटिंग होता है, सारे दल के नेताओं के साथ बैठक होता है और जो कार्यसूची है उस पर गहन चर्चा होता है, विमर्श होता है और सारे दल के तरफ से कभी कभी विषय भी आते हैं कि आज राज्य के अंदर में जो विषय है इस विषय पर एक सदन में एक चर्चा होनी चाहिए और उसी में उस चर्चा को हम लोग गृहित करते हैं, लेते हैं, लेने का काम करते हैं और फिर कार्य मंत्रणा में इनका अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसी के क्रम में आज सर्वदलीय। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगता है विपक्ष ने सहयोग नहीं करने की कसम खा रखी है। अब तो सदन 19 तारीख से शुरू होगा तो आप तो रहेंगे ही गवाह के रूप में, हर दिन कवर करेंगे और राज्य के लोगों को बताएंगे। इसी के लिए कार्य मंत्रालय की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है। अब उन्होंने कुछ कस्में खा ली हो तो अलग विषय है, ये हम नहीं कह सकते हैं।